दोस्तों एमसीसी ब्यावरा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों जेल प्रहरी की वैकेंसी चल रही है अभी और जल्दी इसका एग्जाम होने वाला है और आज से हम चालू कर रहे हैं गणित विषय पर अपनी नई श्रृंखला और इसमें आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत यानी एवरेज। सबसे पहले एवरेज का फार्मूला औसत। औसत दिए गए परिमाणों का योग, जितने भी हमको डाटा दिए जाते हैं उन सब का योग और बटे में आता है परिमाणों की संख्या, यानी कि जितने डाटा दिए गए हैं उनकी कुल संख्या। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 12, 20, 38, 0 और 50 रन बनाए तो इनकी औसत रन संख्या कितनी है। तो साथियों औसत का सूत्र दिए गए परिमाणों का योग, तो जितने परिमाण दिए गए हैं जैसे 12, 20, 38, 0, 50 इन सब का योग करेंगे और बटे में कुल परिमाणों की संख्या, यानी 5 हमारे पास रिजल्ट है, परिमाण है, बटे में 5 ले लेंगे हम और ऊपर का टोटल करा हमने 12, 20, 38 इन सब का टोटल किया तो आएगा 120, 120 बटे कुल परिमाण है 5 और 120 में भी हम 5 का भाग देंगे तो 24 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमसे पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। तो साथियों एक से लेकर जो संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 वो प्राकृत संख्या कहलाती है और प्रथम का मतलब है कि जिनकी स्टार्टिंग एक से हो। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र होता है साथियों एन एन प्लस वन बटे दो, जहां पर एन क्या है, जितनी प्राकृत संख्या, जैसे हमसे बोला कि 1 से 10 तक की, तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। और दूसरा एक सूत्र होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत में हम जानते हैं सभी संख्याओं का योग, योग यानी कि एन एन प्लस वन बटे दो और बटे में कुल संख्याएं आती है यानी कि n, तो ये वाले n से ये वाला n कट जाएगा और इस प्रकार से इनका औसत आ जाएगा n प्लस वन बटे दो। तो साथ ही हम डायरेक्ट इस सूत्र का यूज करेंगे हम n प्लस वन बटे दो। अब एक प्रश्न ले लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत बताना, तो औसत का भी फार्मूला हमने देखा n प्लस वन बटे दो, n की जगह यहाँ पे हमें 10 रखना होगा तो 10 प्लस 1 बटे दो यानी कि 11 बटे दो यानी कि 5.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एक प्रश्न लेते हैं कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 25, तो यहाँ पर n की जगह हमें 25 रखना होगा तो औसत में फार्मूला हमने अभी देखा n प्लस वन बटे दो, तो n की जगह हम 25 रखेंगे तो 25 प्लस 1 बटे दो यानी कि 26 बटे दो और 2 से 26 कटता है 13 बार, तो इस प्रकार से 13 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं प्रथम एन सम संख्याओं का योग। सम संख्या ने इवन नंबर्स जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो उनका योग होता है एन एन प्लस वन। और प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के औसत की जब भी बात आएगी तो साथियों औसत में क्या होता है, बटे में एन और आ जाता है, तो ऊपर जो हमने सूत्र लिखा है एन एन प्लस वन, तो इसके बटे में एन आ जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो इसलिए हमारे पास जो औसत का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा एन प्लस वन। अब इन प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब औसत बताना है तो सूत्र हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे योग पूछा है, योग बताइए, तो योग का फार्मूला है हमारे पास एन एन प्लस वन, तो एन की जगह हमें 10 रखना होगा क्योंकि प्रथम 10 सम संख्याओं को पूछा, तो 10 प्लस 1 यानी कि 10 इंटू 11 और 11 में 10 का गुणा करोगे तो 110 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला एक प्रश्न लेते हैं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए। तब योग बताने में फार्मूला हमने अभी देख रखा, योग में होता है एन एन प्लस वन, तो एन की जगह हमें 25 रखना होगा, तो 25 प्लस 1 यानी कि 25 इंटू 26 और 26 में जब हम 25 का गुणा करेंगे तो 650 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला एक प्रश्न लेते हैं प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए। साथियों अब की बार औसत पूछा है, तो औसत का भी हमने फार्मूला देखा है एन प्लस वन, तो n की जगह हमें यहाँ पे 25 रखना है, तो 25 प्लस 1 यानी कि 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पूछा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो फार्मूला वही हमारा n प्लस 1, तो 50 सम संख्या है तो 50 प्लस 1, 50 में 1 जोड़ा 51 हमारा आंसर आ जाएगा। ले लेते हैं प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या ने ऑड नंबर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, तो इनके योग का फार्मूला होता है साथियों एन स्क्वायर, और एन क्या होता है, जितनी विषम संख्या है, तो एन स्क्वायर इनके योग का फार्मूला। और जब हम इनका औसत निकालेंगे तो औसत में एन स्क्वायर और बटे में एन आ जाएगा, एन से एन स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एन इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं
जैसे प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग का भी फार्मूला हमने देखा एन स्क्वायर, तो 20 सम संख्याएं सॉरी विषम संख्याएं, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 यानी कि 400 हमने सूत्र एन स्क्वायर का उपयोग करते हुए बड़ी आसानी से उत्तर लिया है। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये औसत पूछा है साथियों, तो औसत में हमने अभी फार्मूला देखा कि सिर्फ एन हमारा औसत होता है विषम संख्याओं का, तो 30 विषम संख्या यानी एन बराबर 30 है, तो हमारा आंसर भी 30 ही आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 मतलब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज पता करना है, तो फार्मूला हमने देखा था इसके लिए n प्लस 1 बटे 2, वो प्रथम 50 संख्या है तो n की जगह हमें 50 रखना होगा, यानी कि 50 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 51 बटे 2, और 51 में 2 का भाग लगाएंगे हम तो 25.5 हमारा आंसर होगा। अगला एक प्रश्न लेते हैं, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। साथियों यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा हमें लैंग्वेज को समझना पड़ा, 60 तक की सभी विषम संख्या, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि प्रथम 60 विषम संख्या, तो 60 तक की विषम संख्याओं में हमें मालूम है कि 30 सम संख्या होती है और 30 विषम संख्या होती है, अतः हमें यहाँ पर n बराबर 30 लेना होगा, और इसके लिए हमने विषम संख्याओं में फार्मूला पढ़ रखा था n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 30 है, तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे 30 ही आएगा। अब एक जैसे कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल होती है वो होती है साथियों 2xy अपॉन x प्लस y। अब एक प्रश्न लेते हैं कि कोई व्यक्ति इंदौर से भोपाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी होगी। तो साथियों कई बार हम गलती क्या कर देते हैं इस टाइप के सवालों में कि 40 में 60 को जोड़ के और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, यानी कि 100 में 2 का भाग लगा के यानी 50 हम उत्तर देते हैं, लेकिन इस टाइप के आंसर इस फार्मूले से आते हैं 2xy अपॉन x प्लस y। x की जगह हमें पहली चाल यानी कि 40 रखना होगा, y की जगह हमें यहाँ पे 60 रखना होगा, तो 2x की जगह 40, y की जगह हमने 60 रखा और नीचे x प्लस वाई ने 40 प्लस 60, तो 2 गुणा 40 गुणा 60 और नीचे का हमने 40 और 60 को जोड़ दिया तो नीचे 100 आ गया, और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों थी ये थी हमारी गणित विषय पे पहली प्रस्तुति, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप और किन विषयों पर ये वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उन्हीं विषयों पर ज़्यादा फोकस कर सकें। धन्यवाद।